सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के लद्दाख दौरे का आज दूसरा दिन है। आज यात्रा के दूसरे दिन सेना प्रमुख पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अग्रिम मोर्चे का दौरा कर रहे हैं। सेना प्रमुख यहां तैनात सैनिकों के साथ बात करेंगे और सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। इससे पहले मंगलवार को सेना प्रमुख ने लेह के सैनिक हॉस्पिटल का दौरा किया था। यहां सेना प्रमुख चीन के साथ झड़प में घायल जवानों से मिले थे। पूर्वी लद्दाख में सेना प्रमुख आज ग्राउंड कमांडरों के साथ हालात पर चर्चा करेंगे और फॉरवर्ड पोस्ट का भी दौरा करेंगे। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद सेना प्रमुख पहली बार लद्दाख पहुंचे हैं। इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने रविवार को लद्दाख का दौरा किया था। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी जी जुड़ गए इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। टीपी त्यागी जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सर, जो स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में, ऐसे समय में आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे लद्दाख के दौरे पर हैं, आज फॉरवर्ड पोस्ट का भी दौरा करेंगे, कितना जरूरी है ऐसे वक्त में ये दौरा हो जाता है, खासतौर पर फॉरवर्ड पोस्ट का? ये दो तरह से जरूरी हो जाता है मैडम। सबसे पहली बात तो ये है कि जनरल यानी कि एक सेनापति जाके अपने जवानों के हाल चाल पूछे, जो अस्पताल में भर्ती है उन्हें देखे, उनका हौसला बढ़ाए, उनसे बातचीत करे, और इतना ही नहीं उन्हें सम्मानित भी करे। और सम्मानित भी क्यों ना करे, ये वही जवान हैं जिन्होंने कुल 50 की संख्या ने 500 चीनियों को, जबकि चीनी बाकायदा एक प्लान बनाकर आए थे और अपने साथ में हथियार और धारदार हथियार और कील और स्टडी क्लब लेकर आए थे, उन्हीं के हथियार चीन के, उन्हीं को जितना मारा। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता खबरें आएंगी कि वो किसी की गर्दन लटक गई, किसी की आंखें बाहर आ गई, बहुत सारी वो टूट गई हड्डियां, एक कमांडिंग ऑफिसर मारा गया, एक दूसरा ऑफिसर मारा गया। तो लिहाजा ऐसे जवानों को जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सम्मानित करेंगे तो उससे बाकी फौज का भी मनोबल बढ़ेगा, एक बात। दूसरी बात, चीन के ऊपर किसी भी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। मेरा कहना है कि अजमाए को अजमाए और बेवकूफ कहलाए। अब चाहे जितनी बातचीत होती रहे कि हम में आपकी समझौता हो गया है, हमारी सेनाएं पीछे हट जाएंगी, लेकिन क्या उसने हटानी शुरू कर दी? और अगर हटानी शुरू कर भी देता तो भी हमें यकीन नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक सेनापति ने डिसीशन लिया कि वो फॉरवर्ड पोस्ट में जाके देखेंगे और फॉरवर्ड पोस्ट में जाके अपनी तैयारियों का जायजा लेंगे। हमारी तैयारी इस समय पूरी है, एयर के अंदर हमारी सुपीरियरिटी है और जमीन के ऊपर हमारी और भी ज्यादा सुपीरियरिटी है। हमारे दौलत भाई वॉल्डी और हमारे लद्दाख और श्रीनगर और जो 13 फॉरवर्ड एयर बेसिस है और जो हमारे जगुआर और जो हमारे सुखोई वहाँ पे तैनात किए गए हैं और जो ग्लोब मास्टर और हरकुलिस वहाँ पे हर आधा घंटे में सामान लेके जा रहे हैं और जो हमारी माउंटेन डिवीजन और दो माउंटेन ब्रिगेड यानी के आर्टिलरी टैंक सब कुछ वहाँ पे पहुँचा दिया गया है। लिहाजा हम थल में तो हर तरह से उनसे सुपीरियर है और खास तौर पे जवान के हौसले के नाम पर। चीन का जवान असलियत में सैनिक है ही नहीं, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी का नौकर है। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि चीन के सैनिक मसाज पार्लर चलाते हैं, सैलून चलाते हैं। जी, तो त्यागी जी, कहीं ना कहीं ये जो दौरा चल रहा है ये जो सेना में के जो जवान है उनका मनोबल भी बढ़ाएगा और चीन के ऊपर एक दबाव भी लगातार इससे बनता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।